नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही विकास कार्यों में तेजी आ रही है। पिछले कई सालों से खराब पड़ी सड़कों की सुध अब नगर निगम के पार्षद लेने लगे हैं। आज वार्ड 34 में 20 लाख की लागत से सड़क व नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद बैरवा ने बताया कि क्षेत्रवासी पिछले लंबे समय से इस सड़क को सही कराने की मांग कर रहे थे, जिस पर आज 20 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण नाली बनवाने का कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता हेमंत भाटी भी मौजूद रहे। आज संगम कॉलोनी में डामर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से नगर निगम के कोटे से ये निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर डामर की सड़क बनवाई जा रही है। काफ़ी समय से ये टूटी फूटी सड़क थी, काफ़ी लोग परेशान थे, इस वजह से काफ़ी शिकायतें आ रही थी। तो अभी नगर निगम की तरफ से ये रोड सैंक्शन हुआ है और 20 लाख रुपए की से ये रोड बनवाया जा रहा है। ये रोड राबड़िया मोहल्ले से शुरू होकर पूरा संगम कॉलोनी तक। आज वार्ड 34 के अंदर सड़क का काफ़ी दिनों से यहाँ पर हाल थोड़ा ख़राब था। पार्षद चंचल बैरवाल यहाँ पर हैं और उनके पति निर्मल बैरवाल, इनके प्रयासों से पार्षद कोटे से यहाँ पर सड़क का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और वार्ड के अंदर जितने भी टूटी फूटी नालियाँ थी, फेरो कवर्स थे, उन सबको चेंज करते हुए वार्ड 34 के पूरे वार्ड के अंदर विकास कार्य को गति देते हुए यहाँ के पार्षद जिस तरह से कर्मठ भी हैं और हर काम को पहले प्राथमिकता देकर पूरा करते हैं, उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर संगम कॉलोनी के अंदर सड़क का निर्माण कार्य आज प्रारंभ यहाँ पर किया है। पार्षद कोटे को जो 20 लाख रुपए निगम से अलॉट हुए हैं, उसी राशि में से ये इस सड़क पर जो है राशि व्यय की जा रही है।